मंथली इनकम कितनी थी, एक महीने में कितने रुपए कमाते थे और साथ ही साथ कितने करोड़ की संपत्ति वो छोड़ के गए। क्योंकि आप सब बताऊँ कि उनके बारे में एक बड़ी बैड इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, क्योंकि उनकी बाइक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो चुकी है, मतलब जगह पे ख़त्म हो चुके हैं, किसी ने उनको पीछे से ठोक दिया ट्रक वाले ने, जिसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन ऐसे में उनकी मंथली इनकम क्या थी और साथ कितने करोड़ की वो संपत्ति छोड़ के गए, मैं आप सभी को ये बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे बता दूँ कि जितने भी फैन हैं उनके YouTube पे 1.2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर, यानी कि 12 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर, और साथ आपसे बता दूँ उनके चैनल का नाम पुरो राइटर 1000 है और इनके जो इंस्टाग्राम पे जो फॉलोवर है 1,80,000 प्लस कुछ फॉलोवर है। लेकिन ऐसे में आपसे बता दूँ इनकी अचानक डेट हो जाती है, कोई इनको पीछे से मतलब ठोस मार देता और जगह पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में आपसे बता दूँ कुल संपत्ति कितनी छोड़ के गए पीछे मैं आपसे भी बता देता हूँ, और मंथली इनकम कितनी कमाते थे। एक मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से बता दूँ इनके पास दो बड़ी बाइक थी जिसकी कीमत सुनकर आप हैरत करें, मतलब इतनी उम्र के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बाइक खरीदी, इतनी महंगी बाइक खरीदी थी। पहली बाइक थी उनकी 19 लाख की, जो कि आप सभी को दिखी थी, 19 लाख की बाइक थी, मतलब सिल्वर कलर की। अगर आप दूसरी बाइक की बात करेंगे जिसके वजह उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसके वजह से मतलब पीछे वाले ने ठोका और जगह पर उनकी डेथ हो चुकी, उसकी कीमत थी 70 से 80 लाख रुपए ये वाली बाइक, जिसको आने के लिए 3-4 महीने लगते गाँव के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर से मतलब लाना पड़ता है इसे। ऐसे में आप सभी सोच सकते हैं दो ही बाइक की कीमत 1 करोड़ रुपये हो चुकी तकरीबन। और आप सो दादू इन्होंने दो कार भी ली थी, आप सभी को दिख ही रहा हूँ, जो कार की कीमत तकरीबन 50 लाख है, दोनों कारों की कीमत मतलब उसके अंदर हो सकती है, मतलब मोटा मोटा अगर आप हिसाब करेंगे तो आप सो दादू इन्होंने इतनी सी उम्र के अंदर तकरीबन ऐसे में आप सभी सोच सकते हैं सिर्फ कार और बाइक मिला के तकरीबन 1.5 करोड़ के प्लस उनके पास मतलब ये सारी चीज़ें थी, उसके अलावा और कुछ खरीदा होगा। लेकिन ऐसे में जान लेते कि आखिर इनकी मंथली इनकम कितनी थी, तो आप बता दो एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी जो मंथली इनकम थी, जो YouTube से मंथली इनकम इनकी आती थी, वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए मंथली इनकम आती थी। ऐसे में ये राइडर व्लॉगर थे, उनके अच्छे खासे व्यूज़ आते, अच्छे खासे बहुत अच्छे व्यूज़ आते, जिसके वजह उनकी 3 से 4 लाख रुपए मंथली इनकम हो जाती थी। लेकिन ऐसे में अचानक इनकी डेट हो चुकी, जिसके वजह उनके जितने फैन थे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके, बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा अपसेट में, उनका परिवार का तो हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, उनका तो पूछो मत। तो गई थी यूट्यूबर अगस्त्य की मंथली इनकम और उनकी संपत्ति कितनी थी। ऐसे में आपसे बता दूँ इंसान दुनिया के अंदर कितना भी मतलब पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब मौत आती है तो सब छोड़ के जाना पड़ता है, मतलब सबको अलविदा कहना पड़ता है। और ऐसे में अचानक अगस्त्य भाई मतलब छोड़ के हमें चले गए। तो गई थी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुँचे।